सो ये वीडियो म्यूजिक ऐप से रिलेटेड है, इनफैक्ट ऑफलाइन एड फ्री लाइटवेट म्यूजिक ऐप से रिलेटेड। काफी सारे ऐप्स में से मैंने बस इन तीन ऐप्स को इस वीडियो में लिस्ट किया है, उम्मीद है कि आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। बट पहले मैं आपको इसका यूज बताना चाहूंगा कि आपको इसे यूज क्यों करना चाहिए। जो लोग यूज सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से इस सेगमेंट को स्किप कर सकते हैं। आज के डेट में हर कोई स्पॉटिफाई जियो सावन पर शिफ्ट हो गए हैं म्यूजिक सुनने के लिए, बट इन ऐप्स का सबसे बड़ा दिक्कत इनका एड्स होता है। प्लस इन्हें यूज करने के लिए हमारा मोबाइल नेट से कनेक्ट रहना चाहिए। एड्स सुन सुनकर हम इरिटेट हो जाते हैं और मोबाइल डाटा जब ऑन रहता है तो हमारा बैटरी भी ज्यादा तेजी से गिरता है। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ऑफलाइन म्यूजिक प्लेयर्स भी रेकमेंड करता हूँ, मतलब मोबाइल में दोनों होना चाहिए। सो चलते हैं पहले ऐप की तरफ, क्योंकि ये एप्लीकेशंस ओपन सोर्स हैं इसलिए आप इन्हें एंड्रॉइड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहा हूँ। पहले ऐप का नाम है पल्स म्यूजिक प्लेयर। काफी लाइट वेट है ये ऐप, इंस्टॉल हो जाने के बाद हार्डली हमारे स्टोरेज का 8 MB ही लेता है, जो कि मेरे ख्याल से एक म्यूजिक प्लेयर के हिसाब से बहुत कम होता है। इसे लॉन्च करते हैं। UI भी काफी बढ़िया डिजाइन किया है इसके डेवलपर ने, फुल मटेरियल बेस्ड डिजाइन बनाया है। इसका UI ही मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। यहाँ हमें नीचे 5 सेक्शंस दिया गया है, होम, लाइब्रेरी, एल्बम, आर्टिस्ट और प्लेलिस्ट। पहले एक म्यूजिक प्ले करके देख लेते हैं। यह है इसका म्यूजिक प्लेइंग स्टाइल और यहाँ नीचे छोटा सा ये दिखा रहा है कि अगला म्यूजिक कौन सा प्ले होने वाला है। यहाँ 3 डॉट पर हिट करके हम अपने प्रोफाइल का नाम भी एडिट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसका नाम सुपर यूजर रख देता हूँ। अब सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ मुझे 2 ऑप्शंस काम का लगा, पहला और आखिरी फीचर। अगर हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर के सॉन्ग्स को इग्नोर करना चाहें, मतलब कि हम नहीं चाहते कि उस फोल्डर के सॉन्ग इस प्लेयर में शो हो, तो हम यहाँ से उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये वो फोल्डर होगा जहाँ हमारा रिकॉर्डेड कॉल सेव होता है। आई थिंक उस फोल्डर को हर कोई इग्नोर करना चाहेगा। और लास्ट में एक ऑप्शन है सेलेक्ट डिफॉल्ट टैब। हम यहाँ से डिफॉल्ट टैब भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऐप लॉन्च होते ही कौन सा टैब ऑटो लॉन्च होगा। मैं इसे लाइब्रेरी पर सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है थीम का। आप यहाँ से अपने हिसाब से इस ऐप के थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। काफी डीप कस्टमाइजेशन दिया है इस ऐप में थीम को लेके। नेक्स्ट ऑप्शन है नाउ प्लेइंग स्टाइल। यहाँ से हम अपने प्ले होते हुए म्यूजिक के UI को थोड़ा पर्सनल टच दे सकते हैं और बाकी के ऑप्शन में कुछ खास हाईलाइट करने लायक नहीं है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ, जिसका नाम है म्यूजिक प्लेयर गो। लॉन्च करते हैं। ये भी ऐप इंस्टॉल होने के बाद हमारे इंटरनल स्टोरेज का हार्डली 8 MB ही लेता है। ये प्लेयर सिंप्लिसिटी को ज्यादा फोकस में करके बनाया गया है। इस ऐप में भी हमें 5 सेक्शंस दिया गया है नीचे, आर्टिस्ट, एल्बम, फोल्डर, सॉन्ग्स और सेटिंग्स। पहले कुछ बजा के देख लेते हैं, उसके बाद इसके सेटिंग्स पर भी आएंगे। ये है इसका म्यूजिक प्ले विंडो, जो कि इसको भी काफी सिंपल डिजाइन किया है इसके डेवलपर ने। अब कुछ सेटिंग्स में इसके फीचर को देख लेते हैं। यहाँ पहले हमें UI में थीम का सेक्शन मिलता है। मैं अभी डार्क ही रखूंगा और एक्सेंट कलर को ब्लू सेलेक्ट कर देते हैं। एक्टिव टैब्स को मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगा। और यहाँ ऑडियो और जनरल सेक्शन में कुछ खास नहीं है बताने लायक, जिसे मैं जबरदस्ती बताकर आपका टाइम खराब करूँ। सो अब चलते हैं थर्ड और लास्ट ऐप की तरफ, जिसका नाम है डॉग। इस ऐप का UI मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहा होगा। यहाँ इन्होंने जिस खूबसूरती से म्यूजिक को लिस्ट किया है बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन को यूज करके, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे। स्मूथनेस के मामले में भी ऐप काफी अच्छा है। इस ऐप में एक यूनिक फीचर ये है कि हम इसके डाउनलोड सेक्शन में जाके YouTube के किसी भी वीडियोस को आसानी से सुन सकते हैं, मतलब वीडियोस म्यूजिक की तरह प्ले होगा। और अगर लिंक नहीं है तो डायरेक्ट इस YouTube के आइकन पर हिट करके हम यहां से सर्च करके अपने डिजायर्ड म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स और सेटिंग्स के नाम पर इस ऐप में ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, बस क्योंकि ये ऐप एड फ्री है, ओपन सोर्स ऐप है, इसलिए मैंने इसको यहां लिस्ट कर दिया। सो उम्मीद है कि ये म्यूजिक प्लेयर्स आपको भी पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना जरूर कि इन तीनों में से कौन सा ऐप आप यूज करेंगे। तीनों ऐप्स का प्ले स्टोर वर्जन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप चाहें तो डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग ऐप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।